और कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रिव्यू इंडिया पर। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिए। तो चलिए ज्ञानी बाबा से इजाजत लेके शुरू करते हैं आज का ज्ञान। दोस्तों आपने ये कहावत सुना ही होगा कि मेरे जैसा मेडल है यानी कि साबिया स्वर्ग में देखी जाती है, मगर इंटरनेट की दुनिया में साबिया मेट्रोमोनियल आंख में देखी जा रही है। ये सब एप्लीकेशन ऑनलाइन होते हैं और ये कम्प्लीटली फ्री होते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो। ये आपसे कोई भी चार्ज लेते हैं, हाँ इसके बाद आपसे ये चार्जेस मांगते हैं कि आप किसी का फोन नंबर, मैसेज या फिर डिटेल्स जानना हो तो आप कुछ अमाउंट पे करें, जिसके लिए वो ऑफर भी देते हैं और उनका डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान भी रहता है जिसको आप खरीद सकते हैं। मगर ये जान के आप हैरान होंगे कि यही एप्लीकेशन और वेबसाइट बाद में एक डेटिंग ऐप की तरह यूज होती है। आइए जानते हैं कैसे। अगर हम गूगल में जाके मेट्रोमोनियल साइट सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे वेबसाइट और एप्लीकेशन मिल जाएगी। हम इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं जिसपे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनके दिए गए प्रोफाइल्स को फ्रीली देख सकते हैं। अब ये वेबसाइट आपको ये होप भी देती है कि आपकी शादी जल्दी हो जाएगी और आप आपके मन चाहे पार्टनर को बहुत जल्दी पा सकते हैं। फिर कोई भी प्रीमियम प्लान लेने के बाद आपके पार्टनर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की सुविधा पा सकते हैं, फोन नंबर ले सकते हैं, ईमेल आईडी ले सकते हैं और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मगर लोग इस फैसिलिटी का अलग फायदा उठाते हैं और ये बन जाता है मेट्रोमोनियल वेबसाइट से एक डेटिंग एप्लीकेशन और डेटिंग वेबसाइट। आप चाहे कंप्लेन भी करो इस चीज को लेके, मगर कोई भी कंपनी आपको इसके सपोर्ट में ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी क्योंकि कोई भी मेट्रोमोनियल कंपनी इस चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकती। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे लोग जो कि टाइम पास के हिसाब से अपना प्रोफाइल बना है, जो कि किसी को ठगने के हिसाब से अपना प्रोफाइल बना है, या फिर आपको मिलेंगे ब्लैकमेलर जो आपसे बहुत सारे पैसे ले लेंगे और आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम देंगे। आइए जानते हैं कि ऐसे सब फेक प्रोफाइल्स को कैसे जाने, कैसे चुने और इनसे कैसे दूर रहें। दोस्तों ये जो फेक प्रोफाइल होते हैं इनका डिटेल्स कंप्लीट नहीं होता, ना कि इनका फोन नंबर एक्टिव होता है। अगर आपको फोन नंबर मिलता भी है और आप उस पर कॉल करते हो तो वो कॉल लगेगा नहीं, स्विच ऑफ दिखाएगा या फिर आउट ऑफ रेंज दिखाएगा, या फिर लगता भी है तो आप इसको ट्रू कलर में चेक कीजिए, दूसरा नाम आपको मिलेगा जो नाम आपको इसके प्रोफाइल से मिला है। अगर आप और अंदर जाके चेक करेंगे उस पे इसकी कंपनी की डिटेल्स, जहां पे वो जॉब करता है, काम करता है, उसका डिटेल्स क्लियर नहीं होगा, या फिर क्या बिजनेस करता है, कौन सा एम्प्लॉई है वो भी नहीं लिखा होगा, तो उसकी इनकम का कंप्लीट सोर्स नहीं होगा। अगर होगा तो भी कुछ बड़ा चढ़ा के लिखा गया होगा कि दूसरा उस पे अट्रैक्ट हो और जल्दी इस प्रोफाइल को एक्सेप्ट कर ले और बात कर ले। ऐसे प्रोफाइल्स अपना खुद का फोटो नहीं देते या फिर एक ब्लर सा फोटो देते हैं और इनका सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, अपने मेट्रोमोनियल प्रोफाइल से कनेक्टेड नहीं होता। दोस्तों आपको कोई पसंद तभी करता है जब आपका रिक्वायरमेंट और उसका रिक्वायरमेंट सेम हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। पहले दोनों एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को देखते हैं, फिर एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर ऐसा कोई भी प्रोफाइल मिलता है जो आपके रिक्वायरमेंट को सही नहीं बैठता है, फिर भी उसने आपका प्रोफाइल एक्सेप्ट किया है, तो प्लीज इसके ऊपर ठीक से ध्यान दीजिए। दोस्तों ऐसे बहुत सारे NRI प्रोफाइल मिल जाएंगे जो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किए होंगे या फिर आपको रिक्वेस्ट भेजे होंगे। यहाँ जानना जरूरी है कि 90% ऑफ NRI प्रोफाइल आर फेक, मतलब 90% NRI प्रोफाइल फेक होते हैं और इनमें एक बड़ा समूह है लड़कियों का जो कि आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, बाद में कोई भी रीजन देके बोलेंगे कि मैं इंडिया आ रही हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। बाद में एक कॉल आएगा कि वो फलाना प्रॉब्लम में है, आप उनको कुछ अमाउंट दीजिए जो कि ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। दोस्तों कभी भी कोई भी मेट्रोमोनियल साइट हो या ऑनलाइन पोर्टल हो, ऐसे ऑनलाइन पेमेंट या बैंक ट्रांसफर मत कीजिएगा। अगर उनके एप्लीकेशन में ऐसा कुछ है तो वहां पे ही पेमेंट कीजिएगा। दोस्तों आपको ऐसे भी प्रोफाइल मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि वो कोई प्रॉब्लम में है, कुछ पेमेंट कर दो, या फिर इनका ATM कार्ड खो गया है, बैंक अकाउंट सस्पेंड हो गया है, या फिर कोई अर्जेंट पैसे की जरूरत है। तो दोस्तों सावधान रहिए, ये एक फेक प्रोफाइल है। शादी के नाम पे जो लोग पैसे, गिफ्ट या फिर ऐसे कुछ सहयोग की आशा करते हैं, जान लीजिए वो सब फेक प्रोफाइल है और वो आपसे शादी नहीं करने वाले हैं।
दोस्तों, बहुत सारे लड़के और लड़की ऐसे भी होते हैं जो अपने पेरेंट्स को इन प्रोफाइल क्रिएशन के बारे में बताते नहीं और कोई भी पोर्टल में जाके अपने लिए प्रोफाइल बना लेते हैं। जब शादी की बात आती है, कुछ दिनों बात करने के बाद ये पता लगता है कि उनके पेरेंट्स इस रिश्ते से खुश नहीं है और ये शादी हो नहीं सकती, तो ये कम्प्लीटली बन जाता है डेटिंग काइंड ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, डेट करते हैं और कुछ समय बाद एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ होता है, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो पहली चीज ये रखिए कि आप उसके पेरेंट्स को भी सब चीजें बताएं, बात करें अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, और एक दूसरे के फैमिली को एक दूसरे के बारे में कम्प्लीट जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी किसी को अपना पर्सनल फोटोग्राफ, डिटेल्स, नंबर और ऐसा कोई भी चीज ना भेजे जो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर आप किसी को पर्सनली मिल रहे हो तो कंप्लीट कंफर्मेशन के बाद ही दिए। दोस्तों, हमने ये डाटा बहुत सारे यूजर्स के एक्सपीरियंस को लेके, उन पे स्टडी करके और बहुत सारे केस स्टडीज को देख के आपके लिए बनाया है। हम इसमें किसी भी मैट्रिमोनियल साइट या एप्लीकेशन को खराब नहीं कहते हैं। यहाँ पे यूजर्स को डिपेंड करता है कि वो कैसे इसे यूज करें और कैसे इससे बेनिफिट ले, ना कि कोई प्रॉब्लम में फंसे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए रिसर्च के साथ। और दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ाएंगी और हमारे वीडियो को बेहतरीन बनाएंगे। धन्यवाद।